नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे हैं। चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। उसके लिए ईवीएम मशीनें भी चेक की जा रही हैं और जुटाई जा रही हैं। लेकिन द वायर की एक हालिया रिपोर्ट की माने तो जो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनें 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की थी, उसमें से तकरीबन 6.5 लाख ईवीएम मशीनें डिफेक्टेड निकली हैं, मतलब खराब निकली हैं। और अब जिन कंपनियों ने उनको बनाया था उनके पास वो ईवीएम मशीनें वापस सही करने के लिए भेजी जा रही हैं। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 17 लाख के आसपास जो है ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं लोकसभा चुनाव में, और उन्हीं ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल तमाम विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में किया गया देश भर में, जिनकी खरीद 2018 में की गई थी। उनमें से 6.5 लाख के आसपास ईवीएम मशीनें खराब निकली हैं और उन्हीं के आधार पर अब चुनाव की तैयारियों के तहत उन ईवीएम मशीनों को वापस सही करने के लिए भेजा जा रहा है। द वायर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ये तकरीबन तीसरा हिस्सा है, जितनी ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं उसका तीसरा हिस्सा है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। ये मशीनें M3 जनरेशन की थी, जो 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खरीदी गई थी, और इस पर इसके पहले भी तमाम बार सवाल उठ चुका है। लेकिन अब जब ये वायर ने रिपोर्ट जैसे ही लिखी, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बकायदा इसका विरोध करते हुए कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। ईवीएम के नाम पर खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब ईवीएम का विरोध हो रहा है। यहां तक कि पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैसी ने बकायदा ये कहा कि एक लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4000 के आसपास ईवीएम में डिफेक्ट हो सकता है, वो सामान्य बात है। उसका 10 गुना भी होता तो चलो कोई बात नहीं थी, तकरीबन 40,000, लेकिन यहां तो 6.5 लाख मशीनें खराब हैं। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। SY कुरैसी साहब 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इन आंकड़ों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी पर सालों से सवाल खड़े होते आए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल खड़ा किया था, तब उनके सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बाकायदा ईवीएम का विरोध किया था और कहा था कि ईवीएम के जरिए कांग्रेस चुनाव जीत रही है। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी ने एक भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव की किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम मशीन की भूमिका भी लिखी थी, और उस किताब में बाकायदा ईवीएम मशीन पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। और 2022 के जब चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद भी यह सवाल खड़ा किया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही है, उसको हैक करके भाजपा चुनाव जीत रही है और ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों के जरिए ही भाजपा तमाम राज्यों में चुनाव जीतकर सरकारें बना रही है। लेकिन उनको यह कहकर दबा दिया गया कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर बवाल करते हैं। तमाम राजनीतिक दल जैसे RJD, TMC, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, बसपा और तमाम अन्य राजनीतिक दल भी इस बात का विरोध करते हैं कि ईवीएम से चुनाव किया जाए, और ईवीएम से होने वाले चुनाव पर लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। और दुनिया भर में तकरीबन 30 देश हैं जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव कराने के लिए किया जाता है। वहां भी समय समय पर ऐसा होता आया है कि ईवीएम का विरोध हुआ है या ईवीएम के आंकड़ों में गड़बड़ियां देखने को मिली है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला में 2017 के चुनाव में जितने मत थे, जितने वोट थे, उससे तकरीबन 10 लाख ज्यादा वोट पड़े। जब चुनाव के बाद उसकी गिनती की गई तो पता चला कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला है। वैसे तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या भाजपा या कोई भी अन्य पार्टी, ये अपनी जीत का श्रेय ईवीएम मशीन को देने को कभी तैयार नहीं होते और उनकी गड़बड़ियों को स्वीकार करने की भी कोशिश नहीं करते। यहां तक कि जब ये सवाल चुनाव आयोग के पास जाता है तो चुनाव आयोग भी बार बार यही करके मना कर देता है कि भले ही अन्य देशों में कोई गड़बड़ी हुई हो या हो सकती हो, लेकिन जो ईवीएम मशीनें भारत में इस्तेमाल होती हैं उनमें कोई गड़बड़ी करने की आशंका नहीं है, न ही उन्हें हैक किया जा सकता है, न उनके जरिए कोई चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल नेशनल जनमत का यह है कि आखिर इस तरीके की घटनाओं के बारे में जब तमाम राजनीतिक दल जानते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वो इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं करते, सिवाय अपने बयानबाजियों में,
सिवाय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिवाय चुनाव हारने के बाद दो चार बार बोलने के सिवा, क्या कभी ये चुनाव आयोग के पास एकमत होकर, एकजुट होकर के जाते हैं कि सारे चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है या सारे ईवीएम की ठीक से जांच की जानी चाहिए? जब चुनाव हारते हैं तो इन्हें ईवीएम याद आता है, लेकिन उसके बाद ये ईवीएम को भूल जाते हैं। अगर इतने सारे सबूत ईवीएम में गड़बड़ी का संकेत दे रहे हैं और अगर ये माना जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर ये राजनीतिक दल एकमुश्त एक साथ आकर विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते चुनाव आयोग से कि तमाम राजनीतिक दल चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगर ईवीएम से चुनाव कराया गया? अगर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनको सबसे पहले अपने हक अधिकार बचाने होंगे, तब वो जनता की बात कर पाएंगे। लेकिन ये जितने भी सबूत आपको दिख रहे हैं, हम उसके भाव पे ये दावा तो नहीं कर सकते कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन ये कोई संकेत दे रहे हैं। वो संकेत जो एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी मानते हुए कह रहा है कि इतनी भारी मात्रा में अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।